फ्रेंड्स, आज ये ना वो एसी आप खोलेंगे अपन, तो आज जो कैसा खोलना है आपको बताऊंगा मैं एसी को। देखिए चलो, अभी इसे तो चालू कर लिया हूँ, तो इसे तो एकदम देखिए ओके दिखा रहा है, गैस वगैरह नया ही एसी है। तो देखो अभी इसको कैसा खोलना है मैं बताऊँगा। पहले करना क्या है, इसमें जो पहले जो 1/4 की पाइप है ये वाली, इसको पहले लॉक कर लेना है एलंकी से। लॉक कर दिया मैंने। इसके बाद अपने को 2 मिनट रुकना पड़ेगा, थोड़ा जो बचा हुआ गैस रहेगा, जो जो 3/8 की पाइप है सब पाइप गैस वापस आ जाएगा, तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये सामने ऐसा फैन के सामने ऐसा हाथ लगा के चेक कर लेना है, पहले कैसा हीटिंग हवा आ रही थी यहाँ से, वो हीटिंग हवा नहीं आएगी क्योंकि गैस लॉक हो गया, ऐसा भी सादी हवा आने लगेगी। आपको दूसरा वाला 3/8 का पाइप भी वाल से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको फौरन एसी जो है वो ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम मेन स्विच भी इसका बंद कर देंगे। तो इसको अभी ये अपन खोल लेंगे, नीचे की तरफ खोल रहा है इसलिए खुल जाएगा, तो इसमें जो थोड़ी एयर रही वो निकल जाएगी। ये 3/8 की पाइप ये भी खोल लेंगे, इसको भी नीचे की तरफ आपको करना है। मैं अकेला हूँ तो क्या है, मोबाइल भी पकड़ा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। खोल लेना है सर। उसके बाद में ये कवर भी यहाँ पे एक बार टेस्टर से चेक कर लेना, बंद तो कर दिया हमने फिर भी एक बार ऐसे चेक कर लेना लाइट लगा के। तो इसको अभी खोल लेते हैं, वायर को खोल लेते हैं। पिन का भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया है, ये अपना आउटडोर पूरा अलग हो गया है। आउटडोर जो देखिए वो पाइप खोल लिए, वायर निकाल लिए। जो यूनिट तो लगा हुआ है, अभी क्या करूँगा मैं इसका जो पहले यहाँ पे जो व्हाइट सीट है उसको पहले तोड़ के निकाल लूँगा। तो पूरा पाइप है इसका पूरा सब बड़ा पाइप है, अब देखो कैसे निकालना बताता हूँ। तो देख सकते हो फ्रंट दोनों यूनिट खोल दिया हूँ, इंडोर भी मैंने ओपन कर दिया हूँ, और वर्लपूल का इन्वर्टर एसी है 6 इंच वाला देख सकते हो। अब चलो पाइप खोलेंगे, ठीक है। पाइप को मैंने पहले ऐसा कर लिया है, अभी इसको क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको सीधा करूँगा, यहाँ से पहले इसको ऐसा सीधा करूँगा और बाहर की तरफ से पूरा पाइप निकाल लूँगा। तो पाइप को मैंने सीधा कर दिया है, अभी इसको क्या करेंगे, जो बाहर साइड से जो दिख रहा पाइप को पहले इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले लेंगे, करके बताता हूँ मैं अभी आपको। देखो फ्रेंड्स, पाइप को मैंने ऐसा अंदर की तरफ ले लिया हूँ, और ऊपर भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पाइप को मैंने बैंड कर दिया, ऐसा था तो उसको ऐसा कर दिया ताकि जो निकालने में अपना इजी पीछे से निकल जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड, पाइप भी मैंने पूरा निकाल लिया हूँ। पाइप देखो जैसा जैसा बेंडिंग था वैसे ही है, अभी मुझे इसको ले जाके दूसरी जगह फिट करना है। तो पाइप को मैं धीरे से पूरा फोल्ड नहीं करूँगा, एक बड़ा रोल करके रख दूँगा, वो भी आपको करके मैं बता दूँगा। देखो फ्रेंड्स, एसी तो पूरा ओपन हो गया है, और इसका जो फ्लेयर वगैरह रहता है यहाँ पे जो नट टाइट होता है वहाँ भी मैंने टेप लगा लिया। इसका जो वॉल रहता है यहाँ पे देखिए, वो इसको भी टेप लगा लेना अच्छे से ताकि इसमें कुछ कचरा वगैरह नहीं जावे। देखो पाइप को भी एक मैंने बड़ा सा रोल कर लिया ताकि इसी पाइप को मुझे वापस ही यूज़ करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो।